नमस्कार, मैं अमरमणि मिश्रा, आप लोग देख रहे हैं रिपब्लिक न्यूज टीवी, आरएन टीवी। अभी जाम खड़े हैं, एक बार बोर्ड दिखाइएगा कैमरामैन साहब। ये पुलिस चौकी घोड़ा टीहा हनुमानगंज का है, थाना रुदौली में पड़ता है ये चौकी। अब इस चौकी पे इतनी रात को आप लोग सोच रहे होंगे किस लिए आए हैं, तो इतने रात को बहुत सारे लोग भी यहाँ दिखाई दे रहे होंगे, और खास करके गमछाधारी। और गमछाधारी में भी ये बजरंग दल वाले हैं। बजरंग दल वालों को आप बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे। हनुमान जी को अगर खड़ा किया जाए, और यूं कह लीजिए कि बंदर को और बजरंग दल को कोई फर्क नहीं है, और इतने रात को अगर ये बजरंग दल इस चौकी पे है, तो आप लोग सोच सकते हैं कोई ना कोई तो इस तरीके की घटना हुई होगी कि इतने सारे यहाँ पे बजरंग दल के लोग इकट्ठा हुए हैं। अब चूंकि यहाँ पे दिखाइएगा कैमरामैन साहब उस साइड में, यहाँ पे गाड़ी जो है तहसीलदार मजिस्ट्रेट साहब की है, एसओ साहब की गाड़ी खड़ी है, और यहाँ पे सीओ की भी गाड़ी आई हुई है। तो यहाँ पे तमाम अधिकारी यहाँ आए हुए हैं, आला अधिकारी, और इस तरीके की यहाँ पे घटना हुई है। कुछ लोग भी यहाँ पे पकड़ के आए हुए हैं, जो मांस प्रतिबंधित है उस मांस को यहाँ पे जब्त किया गया है कुछ बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा। तब जाके पुलिस को भनक लगी कि हाँ, इस तरीके से कहीं पे मांस मिला है। पुलिस वालों की इतना बड़ा नेटवर्किंग होता है, यहाँ तक कि लोग बाग बताते हैं कोई ऐसा गांव नहीं है कि पुलिस वालों की वहां पहुंच ना हो, फिर भी पुलिस वालों के हाथ खाली के खाली रहते हैं। अगर बजरंग दल जैसे लोग, हिंदू संगठन, इस सारी चीजों पे ध्यान ना दें, तो शायद पुलिस वाले भी ना पकड़ पाए ऐसी सारी चीजें, या कुछ और ही कहानी होती है, वो आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। फिलहाल इस चौकी पे, जिस चौकी पे हम आए हुए हैं, इस चौकी पे काफी लोग यहाँ पे एकत्रित हैं, और इन्हीं लोगों से बात करना चाहते हैं कि कैसे और कब पकड़ा गया। क्या नाम है आपका? स्नेह पांडे, जिला गौरक्षा प्रमुख बजरंग दल। पांडे जी, जैसा कि लोग अभी बता रहे थे, आपने ही पहले देखा क्या? कैसे, क्या हुआ था? पूरा ऑटो में लटके जा रहा था भाई साहब, चार लोग बैठे थे ऑटो में जी, और दो लोग बाइक से थे। अच्छा, उनके थैला था बाइक में। हाँ। और डिग्गी में भरा हुआ था। अच्छा, मेरी निगाह पड़ी। हाँ हाँ। मैं सोचा पिछले साल भी यही घटना हुआ था, पिछले साल भी यही चीज जी, यही चीज हुआ था। बकरीद था जी, बकरीद के दिन ही वही घटना हुआ था। अच्छा, एक ऑटो में और एक ब्लोरो में लगभग ये 10 से 12 क्विंटल अच्छा पकड़ा गया था। तो यशो महोदय ने वहाँ आके सब थाने पे ले जाके सैंपलिंग उम्पलिंग कराया, आज तक उसका रिपोर्ट नहीं मिला आप लोगों को जी। यशो कौन थे उस टाइम में? उस समय दिनेश चंद थे। दिनेश चंद जी, अच्छा, अभी तक रिपोर्ट नहीं मिला। और आज यही घटना हुआ कि हम दौड़ा के पकड़ के लाए इन लोगों को, और देखा गया उसमें कि मांस है। अच्छा, ठीक है। और जबकि सीओ, गाड़ी कौन सी है? आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, एक बार उधर भी आ जाइए। यही कहीं है टेम्पो खड़ा, दिखाओ भाई। ये बाइक है, लोड है, बाइक भी यही है। इसका नंबर एक बार जरूर दिखाना, अगर आ जाए तो इसका नंबर जरूर एक बार दिखाना, और इस नंबर को भी नोट करना। और ये जो पता लिखा हुआ है इस पे, ये बुकिंग के लिए, और नंबर बड़े साफ शब्द में आप देखिए, कमरुद्दीन, ये कमरुद्दीन है, और मोबाइल नंबर है, और संपर्क इनसे कीजिए। अगर जो भी अवैध कारोबार अगर करना है आपको, तो इस ऑटो वाले का नंबर आप ध्यान से देखिए, ये ऑटो वाला कुछ भी लेके जा सकता है, जो भी अवैध चीजें हैं ये दिन में वैध तरीके से लेकर चला जाता है, जैसा कि उसमें बाकायदा चिपका रखा है। और इस तरीके का इलीगल चीज लेके जा भी रहा था, आप सोचिए कि कल ही यहाँ पे डीएम महोदय, एसपी महोदय, सीओ सिटी, सारे लोगों का यही कहना था, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना था कि भाई कहीं भी कोई प्रतिबंधित जानवर नहीं काटा जाएगा, और जो प्रतिबंधित नहीं भी है उसको भी इनलीगल जगह पे नहीं काटा जाएगा। फिर भी इस तरीके की घटना बस्ती जिले में, और हनुमानगंज पुलिस चौकी रुधौली थाने के अंतर्गत होता है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इसमें किस पे कितनी कार्यवाही होती है, जैसा कि अभी पांडे जी बता रहे हैं कि एक साल पहले इसी दिन को इन लोगों ने ऐसे ही प्रतिबंधित मांस को पकड़वाया था, लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। ये लचीलापन अगर पुलिस वालों में है, तो इसकी जवाबदेही किसकी होगी?
क्या कह रहे थे पांडे जी? भाई साहब ये लोग इतने तेजी और ये कहाँ है इसमें अभी अभी कहाँ पीछे, पीछे, पीछे में पीछे अच्छा पीछे देखो टपक रहा है सब ये देखिए टपक रहा है दिखाना दिखाना एक बार इसको अभी भी देखिए खून टपक रहा है खोला नहीं जा सकता बहुत नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल इसको खोलना भी नहीं है अभी ये वैसे भी पुलिस के उसमें है बढ़िया पैक करके रखा गया सर देख लिया जाए में आ जाओ एक बार कैमरामैन साहब आओ और वहाँ पे चलते हैं जो लड़के यहाँ पे पकड़ के आए कितने लोग पकड़ के आए छह लोग हैं चार आपके चार में थे? नहीं चार अच्छा तो आपको कैसे पता चला कि इसमें ये भाई साहब पिछली बार ऐसे ऐसी घटना हुई थी जी जिससे मैं तुरंत समझ गया कि ये लोग वही चीज लेके जा रहे हैं अच्छा बाइक नाम भी बताए क्या ये लोग हाँ फिर बाद में नाम बताए अच्छा पहले कैसे आपको पता चला कि ये ऑटो चारों तरफ से ढक के रस्सी लगी थी अच्छा चारों तरफ से बंद था ऑटो जी तो हमको कुछ डाउट हुआ कि गर्मी महीने में चारों तरफ से कैसे दिखाना उन लोगों को दिखाना एक बार कैमरामैन साहब हाँ चारों ओर से ढक के तो हमको डाउट हुआ तो मैं लोवर में आप लोवर और सैंडो और मैं कपड़ा पहन के माया तब तक ये लोग गांव क्रॉस कर चुके आप तो गांव जी अच्छा आपके गांव से होते हुए जा रहे थे जी जी कौन सा गांव है बकरी में जबकि पिछली बार इस बार साहब ने वो रास्ता प्रतिबंधित इस रास्ते से कोई भी मांस नहीं जाएगा अच्छा कोई भी मांस बकरा ईद के लिए ठीक है इस रास्ते उनका रूट तय था अच्छा तो उस रास्ते पे क्यों आए ये लोग अच्छा उसके बाद आए चलिए उन्हीं लोगों से एक बार बात कर लेते हैं तुम्ही लोग लेके आ रहे थे वो प्रतिबंधित मांस क्या नाम है कमरुद्दीन ये गाड़ी तुम्हारी थी थ्री व्हीलर कहाँ पे और कैसे इसको लदवाए थे कैसे मिला ये कराही लेके जा रहे थे हम लोग नहीं ये मांस आपको मिला कहाँ से मझुआ मीर में किसने दिया नाम क्या था उसका नाम नहीं पता और तुम लेके आ रहे थे सामान नहीं सर हमको जैसे कोई बुलाया था कौन बुलाया था आपको कराही में कौन बुलाया था नाम बताओ अब कराही वाले का भी नाम नहीं मालूम नंबर है उसका नंबर बताओ नंबर उनके भाई नंबर नोट करना अच्छा उसके बाद उसके बाद आप बताओ नाम बताओ उसके बाद बताओ उसके बाद में फिर वो बुलाए थे तो हम लोग लोड करके लोड कहाँ किए थे कराही में मझुआ मीर में लोड किए किस जगह लोड किए ये तो पता ही होगा हाँ वो इस्लामपुरा इस्लामपुरा जगह है उस जगह का क्या नाम था जहाँ से लोड कराए पूरा गांव है सर तो कैसे बताएं वहाँ अच्छा पूरा गांव है उस गांव का क्या नाम है मझुआ मीर इस्लामपुरा इस्लामपुरा मझुआ मीर आप कहाँ से क्या नाम है अहमद रजा अहमद रजा अहमद रजा कहाँ के रहने वाले हो मझुआ मीर के तो किसके पास आपके पास ये सारी मीट जो आई है ये किसकी मीट है पड़वे का है पड़वे का है कि या गाय का है नहीं सर पड़वा का है पड़वा का है तो आपके सामने कटा था क्या हाँ हमारे घर के सामने ही कटा था आपके घर के सामने कटा था तो काटने वाला कौन था काटने वाले तो गांव में है बहुत है। बहुत सारे लोग काटते हैं सारे लोग और कटते रहते हैं ऐसे ही नहीं कुर्बानी के दिन कटते ना सर अच्छा एक ही दिन वही कटवाते हैं क्या तीन दिन रहता कुर्बानी का तीन दिन कौन कौन सा दिन होता है आपका तारीख के हिसाब से रहती ना जैसा तारीख पड़ता है अच्छा अब की बार कौन कौन सा दिन था आज दूसरा दिन था और तीसरा दिन अभी कल कल है तो मतलब ये तीन दिन मझुआ मीर में कौन से गांव में कटता है मझुआ मीर इस्लामपुरा इस्लामपुरा में और उसमें गाय भी काटी जाती है नहीं सर गाय की परमिशन नहीं ली है अच्छा तो गाय का परमिशन नहीं है भैंस का परमिशन है कि उसको काट लीजिए नहीं भैंस नहीं काटते पड़वा काटते हैं पड़वा काटते हैं ये किसने आपको बताया तो सर हमें नहीं मालूम हम बचपन से ही देखते हुए आ रहे हैं बचपन से वहाँ कटता है गांव में हम देखते हुए आ रहे हैं हम ऐसे भी परदेसी हैं हम इधर दो साल के बाद आए हैं अच्छा दो साल के बाद आए तो सबसे पहला काम आपने यही चालू कर दिया नहीं सर हमारे पास टिकट है हम वो कास्ट के भी नहीं है पर हम घूमने के लिए निकले थे घूमने के लिए आपके सामने कट रहा था आप वहाँ से लेके आए कह रहे थे अंसारी हाँ मुस्लिम है पर वो ये जो काटते ना उनका अलग होता है हम लोग का अलग होता है अच्छा तो हमको सिर्फ इतना बताओ कि इतने सारे लड़के एक साथ कैसे इकट्ठा हो गए
सर दोस्ती में हम भी आ गए। ये सारे दोस्त हैं आपके? नहीं नहीं, हम दो लोग, तीन लोग दोस्त हो। ये भी गांव का है। नाम बताओ। अमरुद्दीन। अमरुद्दीन, कमरुद्दीन, कमरुद्दीन। अच्छा, इसको तुम तो चलो। ये तीनों? नहीं नहीं, रुक जाइए। नाम क्या है? इम्तियाज। इम्तियाज, इम्तियाज, ये कैसे, कहाँ पे तुमको मिला था मांस, कहाँ मिला? हमारे गांव में। हैं? कौन से गांव में? इधर इधर मझौवा मीर में। मझौवा मीर में ये मांस जब कट रहा था तो आप थे वहाँ? तो कौन काट रहा था? वहीं बहुत बहुत लोग काट रहे थे। तुम लोग बात क्यों छुपा रहे हो? जब आपके सामने कट रहा था, उसी गांव के रहने वाले हो तो नाम नहीं पता है? नाम नहीं पता है, मैं भी बम्बई रहता था, अभी आया हूँ 15 दिन हुए। और आपके सामने कट रहा था? हाँ। और उसी गांव के हो? हाँ। और नाम नहीं पता कि कौन काट रहा था? नाम नहीं पता, मतलब हमारा गांव थोड़ा सा अलग है उनका थोड़ा। बचपन से यही चीज सिखाया जाता है क्या? कट्टर बनाया जाता है बचपन से ही, बताया जाता है कि ऐसे ही करना है क्या? हाँ भाई, गांव का नाम नहीं पता, गांव के रहने वाले हो, तुम्हारे सामने कट रहा था लेकिन नाम नहीं पता तुम्हें? गांव का नाम पता है, पर उनका नाम नहीं पता था, नए नए लोग थे, कहाँ से आए थे काटने। अच्छा, किसके यहाँ कटवाए थे? वो हमारे घर के सामने खेत में कट रहा था। खेत में कट रहा था। खेत में? किसके खेत में कट रहा था? पता नहीं किसका खेत था, कट रहा था उसमें। जगह तो पता ही होगा ना कि इसी जगह कट रहा था। खैर, ये जिस तरीके से लड़के बता रहे हैं कि उसी गांव के रहने वाले हैं और उसी गांव में कटता है, और जिस तरीके से उनकी कुर्बानी होती है, वो कुर्बानी वाले दिन 3 दिन तक लगातार ऐसे प्रतिबंधित मांस को कटवाते हैं और मझौवा मीर में कटवाते हैं, और जिस तरीके से यहां के लोग और ये लड़के ऑन कैमरा बता रहे हैं, ये खास करके बस्ती पुलिस की जिम्मेदारी बनती है, यहाँ एसपी की जिम्मेदारी बनती है, यहाँ के सीओ की जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे लोगों पे जो प्रतिबंधित मांस काट रहे हैं और साफ साफ नाम बताया जा रहा है, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी ऐसी कार्रवाई करें ताकि जो भाईचारे का सौहार्द बनाया जाता है वो कम से कम इस इलाके में बना रहे। सीओ साहब से अभी बात करेंगे, चूंकि यहाँ पे आए हुए हैं, तो उनका इस पूरे मैटर को लेके क्या कहना है, जरूर अभी बात करेंगे। साहब, सिंह साहब, अभी नए नए आए हैं और नए नया यहाँ का चार्ज लिए रुधौली का, और लोग बाग कहते हैं जिस तरीके से कि भाई बाल चिलवाया नहीं कि ओले पड़ गए, लेकिन आज पहली बार कुंवर सिंह साहब के सामने ये कड़ी चुनौती निकल के आई है। और कुंवर साहब, इस किस तरह से सीओ साहब इस पूरे मामले को हैंडल करते हैं, क्योंकि अभी अंदर गए थे हम लोग तो वो कह रहे हैं कुछ कार्रवाई कर लें, जो भी कार्रवाई होनी है वो सारी कार्रवाई करने के बाद में पूरे मैटर को वो अपना पक्ष रखेंगे। फिलहाल जैसा भी होगा आप लोगों को जरूर बताएंगे। अभी आप लोग देख रहे थे रिपब्लिक न्यूज़ टीवी, मैं अमरमणि मिश्रा।